नमस्कार, मैं हूं अनुपम मनोज। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए 8 फरवरी के मतदान के बाद आज 11 फरवरी को मतगणना का चुनाव परिणाम लगभग सामने आने लगे हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार आम आदमी पार्टी को 63 सीटों पर, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पर बढ़त देखती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस सरकार की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस पार्टी अपना खाता खोलने में असफल नजर आ रही है। कुछ बड़ी सीटों की चर्चा करते हैं तो अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से और वहीं मनीष सिसोदिया जो आम आदमी पार्टी की सरकार में दूसरे नंबर के मंत्री कद्दावर नेता माने जाते हैं वह भी चुनाव में आगे चल रहे हैं। वही राघव सिद्धक नाम के एक युवा उम्मीदवार आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना चुनाव जीत गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणामों की स्थिति लगभग साफ होने लगी है। चुनाव आयोग के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आप ने 63 सीटों पर बढ़त बना ली है, जबकि भाजपा 7 सीटों पर आगे चल रही है। साल 2015 में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती थी और भाजपा के खाते में 3 सीटें आई थी। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस 0 पर थी और इस बार भी उसका खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल नई दिल्ली चुनावी क्षेत्र से मैदान में है और चुनाव आयोग के मुताबिक 8वें राउंड की गिनती तक केजरीवाल ने करीब 8000 वोटों से एक प्रभावी बढ़त बना रखी है। पटपड़गंज सीट से कुछ देर तक पीछे चल रहे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपना चुनाव जीत लिया है। वहीं बाबरपुर से आपके गोपाल राय आगे चल रहे हैं। इसी तरह से करावल नगर से भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट आगे हैं। मुस्तफाबाद से कुछ देर पहले तक पीछे चल रहे हाजी मोहम्मद यूसुफ ने फिर से बढ़त बना ली है और लगभग 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अमानतुल्लाह खान ओखला सीट से जो सानीपाल इलाके में आने वाली विधानसभा सीट है उस पर 21,174 वोटों से लगभग आगे चल रही है। वहीं बात करें कपिल मिश्रा की, जिन्होंने चुनाव के दौरान भारत और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ सवाल उठाकर मुद्दा उठाकर के एक बार फिर से भाजपा को आगे लाने की कोशिश की थी, वो अपनी सीट पर मॉडल टाउन विधानसभा सीट से पीछे चले गए। वहीं चुनाव पर एक प्रभावी बढ़त बनाने के बाद केजरीवाल शाम को पार्टी कार्यकर्ताओं और मीडिया से बातचीत कर सकते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। आप प्रवक्ता संजय सिंह ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि हम शुरुआत से ही कह रहे थे कि आगामी चुनाव हमारे लिए काम के आधार पर लड़ा जाएगा। अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, आप इंतजार करिए और देखिए कि हम जबरदस्त जीत हासिल करेंगे। वहीं पार्टी कार्यकर्ता फरीद खान ने पार्टी कार्यालय में कहा, हमें उम्मीद है कि हमें ऐसा स्पष्ट बहुमत मिलेगा जिससे यह संदेश चला जाएगा कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति से असाम नहीं चला जाएगा। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का वो ट्वीट जिस पर उन्होंने 48 सीटें जीतने का दावा किया था अब ट्रेंड करने लगा है और इस ट्वीट को लेकर मनोज तिवारी को काफी लोगों के द्वारा ट्रोल किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।